नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके KVS लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आ चुकी है उसके लिए बार बार मैसेज आ रहे थे। आपके जो वीडियो हमने दिए थे नोटिफिकेशन का, सिलेबस का, बार बार यही मैसेज था कि आप सर कब कोर्स लॉन्च करोगे, कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक पढ़े। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। KVS लाइब्रेरियन का ऑनलाइन कोर्स आपके LIS लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म पर भी लॉन्च कर दिया गया है। क्या फीस रहेगी कोर्स में, क्या कंटेंट रहेगा, क्या क्या कंटेंट मिलेगा, दोस्तों हर एक पहलू पे हम चर्चा करेंगे। केवल आपको वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना है दोस्तों, क्लियर। तो हम बात करते हैं हमारे KVS लाइब्रेरियन एग्जाम की। किसकी? KVS लाइब्रेरियन एग्जाम की। हमने बात कर ली थी पीछे के दो वीडियो में, एक तो इसके नोटिफिकेशन के ऊपर कि क्या एलिजिबिलिटी मांगी है, कितनी एज मांगी है, ठीक है। दूसरी हमने बात कर ली थी इसकी सिलेक्शन प्रोसेस पे, यानी कैसे सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो दोस्तों, जिस सिलेक्शन प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर दोस्तों क्या होगा, एक तो CBT मोड एग्जाम होगा आपका, रिटर्न एग्जाम होगा कंप्यूटर ऑनलाइन, दूसरा एक डेमो टीचिंग होगी आपकी, और तीसरा दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा, और ये कंबाइंड होगा डेमो टीचिंग और इंटरव्यू। लेकिन सिलेबस में जो है पेपर जो है वो है आपका 180 नंबर का, इसमें से केवल 100 नंबर की आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रहने वाली है दोस्तों। तो हम बताते हैं कि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा, इसलिए सब्जेक्ट पे भी कमांड ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है। अब कंटेंट क्या रहेगा कोर्स की, क्या फीस रहेगी, तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। KVS लाइब्रेरियन का जो कोर्स है दोस्तों आपका, वो सब्जेक्ट का लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ साथ मैं जनरल पेपर की भी चर्चा करूंगा। जनरल पेपर के लिए LIS लर्निंग एकेडमी द्वारा क्या कुछ किया जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे सब्जेक्ट की, कोर्स की। सब्जेक्ट आपका दोस्तों 100 नंबर का आएगा, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट आने वाला है। लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस केवल 100 नंबर की आएगी। क्या सिलेबस है उसकी हमने चर्चा पीछे के वीडियो में कर ली थी, ठीक है। एक एक टॉपिक कवर करवाया जाएगा पूरे कोर्स में दोस्तों। तो देखिए, आपके सिलेबस में क्या है, कैसे क्लासेस रहने वाली है, ठीक है। तो KVS लाइब्रेरियन का दोस्तों जो ऑनलाइन कोर्स होगा, वो कोर्स अवेलेबल होगा आपको एप्लीकेशन के ऊपर, LIS लर्निंग एकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर उपलब्ध होगा। एप्लीकेशन का लिंक, ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह कोर्स दोस्तों KVS स्कूल लाइब्रेरियन के लिए रहेगा, जिसमें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की सिलेबस वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक्स वाइज क्लासेज अवेलेबल रहेगी। यानी सबसे पहले तो बात करेंगे कि सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के अंदर कितनी यूनिट है, और उस यूनिट के अंदर कितने टॉपिक हैं, और उस टॉपिक के भी कितने सब टॉपिक हैं, ठीक है। हर एक टॉपिक पे दोस्तों क्लासेज रहने वाली है पूरे कंप्लीट कोर्स के अंदर, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, कोर्स KVS स्कूल लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी जो 2022 है उसके लिए रहेगा। 100 मार्क्स का कोर्स रहेगा आपका, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय पे 100 नंबर का रहेगा, जिसमें पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज व्याख्या सहित अध्ययन करवाया जाएगा दोस्तों। ये कोर्स बिल्कुल पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। इस पाठ्यक्रम में किसी भी पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा की भी तैयारी हो सकती है। आपको पता है कि ये यूनिट जो 6 है, ये यूनिट बाय डिफॉल्ट है। इस एक तैयारी से आप अन्य भी लाइब्रेरियन की कोई तैयारी कर रहे हो तो उसके भी एग्जाम में बैठ सकते हो, ठीक है। इसमें लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस पूरी कवर रहने वाली है दोस्तों। क्या क्या है हमारे सिलेबस में और क्या क्या रहेगा दोस्तों, 6 यूनिट में ये कोर्स डिवाइडेड रहेगा आपका, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर 6 यूनिट में ये कोर्स डिवाइड रहेगा। पहली यूनिट क्या है, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इस यूनिट में क्या है दोस्तों, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज आ गया, लाइब्रेरी एज सोशल इंस्टीट्यूट आ गया, लाइब्रेरी सोसाइटी आ गया, जितने भी टॉपिक्स हैं, एजुकेशन आ गई, ठीक है, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स आ गए, लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉज आ गए, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज आ गई, लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग होगी, लाइब्रेरी नेटवर्किंग होगी, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हो गया, लाइब्रेरी एज ए प्रोफेशन हो गया, लाइब्रेरियनशिप, प्रोफेशनल इथिक्स हो गया, ये सारे टॉपिक इस यूनिट में आपके रहने वाले हैं। दूसरी यूनिट की बात करें, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिट्रीवल। तो इसमें क्या है दोस्तों, इस यूनिट को हम
यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में डिवाइड करेंगे, एक तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग में, सब्जेक्ट हेडिंग में, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में, तो हर एक टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, यूनिट के अंदर टॉपिक वाइज क्लासेज रहने वाली है, ठीक है। और एक टॉपिक पढ़ लिया ना, तो ऐसे नहीं है कि एक टॉपिक पे आपको पूरी बताए बताया जा रहा है, उस टॉपिक में जितना मैटर करवाया जाएगा दोस्तों, वो एग्जाम में आने लायक मैटर होगा। जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही मैटर आपको कंप्लीट करवाया जाएगा पूरा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थर्ड यूनिट, चौथी यूनिट आपकी मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। यूनिट फाइव आपकी इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रेटरी, डॉक्यूमेंट्री, नॉन डॉक्यूमेंट्री सब पढ़ेंगे दोस्तों। और छठी यूनिट है आपकी लाइब्रेरी यूजर्स की, ठीक है, जिसमें यूजर एजुकेशन, यूजर स्टडीज ये सब हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये कोर्स है जो आपका इन सिक्स यूनिट में डिवाइड रहेगा दोस्तों, इन सिक्स यूनिट में डिवाइड रहेगा। कोई अपने को ऐसा नहीं है कि ये जल्दी जल्दी सिक्स यूनिट ऐसे हैं कि आपको क्लासेस सीधी दे दी दोस्तों। एक एक टॉपिक करवाया जाएगा, क्लासेज पूरे अच्छे से करवाई जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कोर्स रहेगा ये, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स रहने वाला है पूरा। हाँ, कोर्स कैसे मिलेगा, कोर्स बाय करना है दोस्तों आपको, तो LIS लर्निंग एकेडमी का ये लोगो मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पे। गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, LIS लर्निंग एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां पे आपको KVS लाइब्रेरियन ऑनलाइन कोर्स नाम से कोर्स मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है सर, फीस क्या रहेगी, कोर्स लॉन्च कर रहे हो, फीस क्या रहेगी? तो फीस दोस्तों, हमने पहले भी आपसे कभी ज्यादा फीस नहीं ली, अभी भी कोई ज्यादा फीस नहीं लेंगे, बिल्कुल नॉमिनल, सबसे कम प्राइस में। पहले मैं बता देता हूँ कोर्स के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट रहेगा, क्या क्या मिलेगा। देखो दोस्तों, क्लासेस तो मिलेगी मिलेगी, ठीक है, क्लासेस में नोट्स तो बनवाए बनवाए जाएंगे, क्लासेस और नोट्स तो हो गए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मॉक टेस्ट, इसके अलावा मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो स्टूडेंट इनरोल हो जाता है कोर्स में, उसको अलग से दोस्तों प्राइवेट प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे ग्रुप अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिसमें डिस्कस करेंगे आपस में स्टूडेंट्स, ठीक है, और उनके डाउट क्लियर वहां किए जाएंगे। अगला लॉन्च दोस्तों, आपको पता है जैसा कि हम एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करते ही करते हैं, उस टेस्ट सीरीज का क्या फायदा होता है, ये टेस्ट सीरीज आपके सिलेबस को 3 बार कवर करेगी, यानी आपके सिलेबस की आप कितनी बार तैयारी कर सकते हो, 3 बार तैयारी कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज कोर्स लेने वाले स्टूडेंट को बिल्कुल फ्री रहने वाली है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल फ्री रहेगी, कोई इसका अल्टरनेट आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, चाहे कितनी भी फीस रखें जब टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी, लेकिन कोर्स लेने वाले स्टूडेंट को ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री दी जाएगी। राजस्थान लाइब्रेरियन की बात हो, दिल्ली बोर्ड लाइब्रेरियन की बात हो, सब में हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की, स्टूडेंट्स काफ़ी सिलेक्टेड हुए, और वो चाहते भी हैं कि इस टेस्ट सीरीज ऐसी हो, हमारी टेस्ट सीरीज जैसी कोई दोस्तों टेस्ट सीरीज भी नहीं रही है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में खास बात क्या है, टेस्ट सीरीज रहती है बिल्कुल शेड्यूल वाइज, ठीक है, आपको पूरा शेड्यूल दे दिया जाएगा कि जैसे मंडे को कोई टेस्ट है ना, मंडे को, तो मंडे को किस टॉपिक पे टेस्ट है, बुधवार को कोई टेस्ट है वो किस टॉपिक पे टेस्ट है, तो आप क्या करोगे, पहले उस टॉपिक को पढ़ोगे, फिर उस टॉपिक की मंडे को आपको जब टेस्ट दोगे तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे हम 3 बार सिलेबस कवर करवा देंगे आपको एक टेस्ट सीरीज से, ठीक है, सिंगल एक टेस्ट सीरीज से 3 3 बार आपको सिलेबस कवर करवा देंगे। सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे, क्वेश्चन भी सारे दोस्तों बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तैयार किए जाएंगे, सभी सिलेक्टेड लाइब्रेरियन हैं, कोई यूनिवर्सिटी में, कोई कॉलेज में, कोई स्कूल लाइब्रेरियन, सभी सिलेक्टेड हैं, उनके द्वारा पूरी LIS लर्निंग टीम के द्वारा ये कोर्स टेस्ट सीरीज लॉन्च की जाएगी। क्लियर? अब किसी को कुछ पूछना हो, कैसे जुड़े, कोई बात करनी हो, तो दोस्तों ये हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे केवल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो आप कि हमें ये कोर्स चाहिए, कुछ पूछ सकते हो, इंक्वायरी करनी है, जनरल पेपर की भी मैं चर्चा करूंगा, तो पंकज सर से आप बात कर सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके, सर जनरल पेपर की, सब्जेक्ट की दोनों तैयारी करनी है, कैसे करनी है। अब कुछ स्टूडेंट हैं कि सर सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हो या सब्जेक्ट के साथ साथ जनरल पेपर की भी तैयारी करवाओगे, तो दोस्तों जनरल पेपर की डिमांड सब्जेक्ट से भी ज़्यादा है, तो जनरल पेपर के लिए भी दोस्तों आपके लिए विशेष हम कोर्स लॉन्च करेंगे, ठीक है। LIS लर्निंग एकेडमी प्रेजेंट, चाहे वो KVS है, चाहे DSSS भी है, उसके लाइब्रेरियन का बैच शुरू होगा। डिटेल के लिए आप इस नंबर पे पंकज सर से संपर्क करेंगे। जनरल पेपर
सब्जेक्ट दोनों की तैयारी एक साथ करवा दी जाएगी। अब सबसे बड़ा था कि सर फीस क्या रहेगी, तो जब दोनों पेपर अगर आप कोर्स लेते हो तो फीस रहेगी 1500 रुपये, जिसमें जनरल पेपर भी कवर रहेगा सब्जेक्ट भी कवर रहेगा। फीस रहेगी 1500 रुपये, सब्जेक्ट व जनरल पार्ट कंप्लीट रहेगा। सब्जेक्ट दोस्तों फैकल्टी ये करवाएगी, जनरल पार्ट ये फैकल्टी करवाने वाली है आपको दोस्तों। स्पेशल लाइव क्लासेस भी अवली करवाई जाएगी, डाउट सेशन भी रहने वाले हैं दोस्तों। लेकिन चर्चा कर लें, जनरल पेपर के साथ साथ अगर आपको केवल सब्जेक्ट का कोर्स लेना है तो दोस्तों LIS लर्निंग एकेडमी के ऊपर सब्जेक्ट का कोर्स यानी लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स आपके लिए केवल 999 रुपये में ही अवेलेबल रहने वाला है। ना फीस बढ़ाई जाएगी ना फीस दोस्तों घटाई जाएगी, केवल 999 रुपये में आप अपनी KVS लाइब्रेरियन की तैयारी LIS लर्निंग एकेडमी से जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर जब भी टेस्ट सीरीज लॉन्च की जाएगी वो टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री रहने वाली है दोस्तों। तो नाम मात्र की फीस में दोस्तों सबसे कम फीस में पूरा सर्वश्रेष्ठ आपको कोर्स मिलने वाला है 999 रुपये में। पहले भी आपके विश्वास कायम रहे, चाहे राजस्थान लाइब्रेरियन की बात हो चाहे पंजाब लाइब्रेरियन की बात हो, SI KVS लाइब्रेरियन का कोर्स एक एक टॉपिक कवर करवाया जाएगा दोस्तों। अब कुछ सबसे बड़ी बात, मैंने फीस की चर्चा कर ली, कोई भी ओल्ड स्टूडेंट है LIS लर्निंग अकेडमी का किसी भी प्रकार का, चाहे उसने टेस्ट सीरीज ली, CC का कोर्स लिया, कोलन का, प्रैक्टिकल लिया, VMU BLIS TLIS का, अगर दोस्तों वह कोर्स परचेज करता है तो उसको 8769950482 पर व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। ओल्ड स्टूडेंट आप होंगे, आपको दोस्तों इसमें भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा मेन मोटिव है आप तैयारी करें, तैयारी से वंचित ना रह जाएं, ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा फीस के कारण कोर्स भी नहीं ले पाए और ऐसा सपना ना रहे कि आप लाइब्रेरी नहीं बन पाए। तो आप कोर्स लीजिए, कोर्स को अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स के अंदर दोस्तों ऐसा है, अब आती है बात बुक की आपकी, कि सर बुक कौन सी पढ़ें, बुक कौन सी पढ़ें। देखो दोस्तों सबसे सही बताऊं, बुक का मैं बार बार क्यों नहीं कह रहा आपको, जो कोर्स होगा ना उस कोर्स में जो भी सिलेबस है आपका, उस सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स पर क्लासेस रहेगी। अगर वो हर एक टॉपिक को जब पढ़ लोगे, नोट्स प्रिपेयर कर लोगे, तो वो बुक अपने आप आपकी बुक की बन जाएगी, केवल उसी को रिवाइज करना है आपको। बुक पढ़नी पड़ेगी, एक बार पूरा कोर्स पढ़ें आप, पूरी क्लासेस लें, फिर बुक पढ़नी होगी। तो दोस्तों MCQs प्रैक्टिस करनी है आपको, PYQS प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। उसके लिए मैं अल्टरनेट जो स्टूडेंट ज्वाइन होंगे उनको दोस्तों आप बता ही दिया, मैंने प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, तो उनको वहाँ बुक भी सजेशन रहेगी, नोट्स भी सजेशन रहेंगे, सारी उनको दोस्तों प्रोवाइड करवाई जाएगी हर एक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो बुक का दोस्तों इसलिए बार बार नहीं, कोई भी बुक है एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग है नहीं, तो कुछ एक्स्ट्रा होगा कुछ कम होगा तो। लेकिन दोस्तों कोर्स में एक एक टॉपिक कवर रहेगा, अपना सिलेबस अपने पास लेकर बैठ जाना वाली। ठीक है, जब आप सिलेबस एक बार पूरा कवर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा कि हाँ मेरा सब कुछ पढ़ा हुआ है। फिर क्या करना है, प्रैक्टिस, MCQs प्रैक्टिस, PYQS प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आपके मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज भी रहने वाली है, और PYQS की MCQs की मैं आपको जरूर बुक बताऊंगा, तो वो बुक आप परचेज करके उसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर, अब जनरल पेपर लेना हो तो आप पंकज सर से कांटेक्ट करेंगे, केवल सब्जेक्ट लेना हो तो LIS लर्निंग एकेडमी एप्लीकेशन पे कोर्स लॉन्च हो गया है दोस्तों। ठीक है, कोर्स लॉन्च हो गया है, 3 दिन लॉन्चिंग ऑफर रहने वाला है, 999 रुपये आप, मैंने बता दिया फीस रहेगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज उसके साथ बिल्कुल फ्री रहने वाली है दोस्तों। तो आपके पास समय, देखो दोस्तों अप्रैल या मार्च एंड आपका टेंटेटिव एग्जाम डेट है, तो 3 मंथ आपके पास है दोस्तों, 3 मंथ आपके पास है। जनवरी तक आपका सारा सिलेबस कवर होने वाला है, फिर आपको प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज ही देना है दोस्तों। जनरल पेपर के लिए भी आपको अच्छे से ट्रेट किया जाएगा, अलग से क्लासेस रहेगी, लाइव क्लासेस रहेगी,
अलग से ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो दोस्तों विश्वास बनाए रखिएगा, आपको 1% भी लॉस नहीं होने वाला है। अपनी तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, और KVS लाइब्रेरियन का सपना है जो वो स्वीकार या दोस्तों साकार कीजिए। क्लियर। तो ये था दोस्तों कोर्स जो कि आपके लिए लॉन्च किया गया, इसकी जानकारी थी। ठीक है, नोटिफिकेशन की वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है ऑलरेडी, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या पैटर्न रहेगा, उसकी भी अवेलेबल है। फिर भी मैं एक बार और आपको डिटेल में बता ही देता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, CBT मोड एग्ज़ाम होगा जो, वो क्या तरीका रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस CBT जो आपका टेस्ट होगा ना, इसको दो भागों में डिवाइड कर दो। एक भाग में तो दोस्तों आप जनरल पार्ट बोल सकते हैं, जिसमें क्या आएगी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ठीक है, करंट अफेयर या जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर। कंप्यूटर दोस्तों आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, कंप्यूटर सब्जेक्ट में भी कवर हो जाएगा। तो ये जनरल इंग्लिश है ना, ये जनरल इंग्लिश दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 ही मार्क्स के। हिंदी के भी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जीके के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, यानी 80 नंबर का जनरल पार्ट रहने वाला है आपका। और ये पूरा सब्जेक्ट रहेगा LIS लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का, जो कि 100 नंबर का रहने वाला है। तो टोटल आपका रिटर्न जो CBT मोड एग्जाम होगा कितने नंबर का, 180 मार्क्स का होने वाला है दोस्तों। क्लियर। प्लस 60 नंबर का आपका इंटरव्यू और डेमो टीचिंग रहेगा, जो कि आप 2.5-3 गुना स्टूडेंट, रिटन टेस्ट में अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस है तो आपको बुलाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3 गुना स्टूडेंट्स को या 2.5-3 गुना स्टूडेंट्स को। क्लियर दोस्तों, ये बड़ा बड़ा समरी के रूप में मैंने सब्जेक्ट का बता दिया। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, नेगेटिव मार्किंग है नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा समय वीडियो देखने पे, ज़्यादा समय वीडियो पे अपना समय स्पॉइल करने में न लगाएं, अभी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं दोस्तों। अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, कोई फालतू के कोई एक्स्ट्रा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं वैसे भी आपको एक्स्ट्रा वीडियो देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इधर से उधर आपका मन भटकता है, तो आप अपनी जहाँ भी आपका मन करता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आप अपना तैयारी कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद LIS लर्निंग एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का और ग्रुप का, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। फिर भी कोई डाउट हो 8769950482 पे भी संपर्क कर सकते हैं, पंकज सर से संपर्क कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, तो LIS लर्निंग एकेडमी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।